बिहार में फिर से एक बार बाढ़ का कहर, कई जिलों में हाई अलर्ट जारी। महानंदा और डोक नदी में पानी भरना शुरू हो गया है। किशनगंज प्रशासन पूरी तैयार है निपटने के लिए इस बाढ़ से, और लोगों को ये अलर्ट कर दिया गया है जो भी नदी के किनारे हैं वो जल्द से जल्द वो जगह छोड़ दें। अलर्ट जारी कर दिया है सभी को कि निचले इलाके के लोग रहे हैं, जो निचले इलाके जहां पानी जाने की संभावना है उन इलाकों को खाली करने के लिए 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था, और जितनी पानी डॉक से छूट रही है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम मीडिया के माध्यम से समय समय पर देते जा रहे हैं ताकि लोग अलर्ट रहें। सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया, अंचल अधिकारी और वरीय पदाधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमणशील हैं कि कहाँ कहाँ किस किस गांव में कहाँ कहाँ कटाव हुआ है, कहाँ कहाँ किस गांव में पानी घुसा है, इसकी मुआयना कर रहे हैं। एक अभी हमें सूचना मिली कि दिग्गलगंज में एक बच्चे का डूब गए हैं, जिनके लिए हमने CO थाना को भेजा है महाजाल कुतखोर के साथ। इसलिए क्षेत्र में क्षेत्रीय पदाधिकारी BDO CEO और एवं जिला पदाधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, और हम लोग ये हमेशा अलर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे जो मुआवजा मिलना है उनको ससमय मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल छोटे इलाकों में निचले इलाकों के लोग से मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि वो ऊंचे स्थान पर चले आए। सर, बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? हमारे तरफ से जगह जगह पे नाव रखी गई है, साथ में मोटर बोट की व्यवस्था 2 जगह की गई है, और इसके साथ साथ हम लोग ये व्यवस्था रखे हैं कि हर ब्लॉक में अंचलों में हम गोताखोर की एक सूची रखे हैं। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो ड्राई पैकेट्स फूड पैकेट्स बनाने का आश्रय स्थल बनाया गया, ऊंचे स्थानों पर चिन्हित की गई है, वहाँ शौचालय वहाँ पे रहने वहाँ पे अगर कैंप बाढ़ की स्थिति बनती है अगर कैंप में रखना होता है तो कैंप्स का संचालन कैसे होगा, ये सारी व्यवस्था हम लोग बार पूर्व ही कर दी गई है जो हमारी बहुत ही फाइनल स्टेज में है, और हम पूरी नज़र परिस्थिति पर नज़र रख रहे हैं।